वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचेगो, तो आप खिलेगो मुझ पे। बन काजी आप ये वाला दे दो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार? मुझे बस एक मोती दे दो आप। बस केवल एक मोती? हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। कंकार जी मूल्य तो लेकर जाओ। हाँ प्रभु के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे, जो ठीक लगे वो दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। लो मैया बताओ कैसे है। सुनो जी अपने लल्ला को समझा दो, यदि उसे लगतो है कि मैं उपहार की भूखी हूँ तो जे उसकी भूल है। अरे उपहार ना है मैया, ये तो साक्ष्य है कि मुझे भूल समझ में आ गई है। और ये भी समझ आ गया है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो। ये साक्ष्य है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रही हूँ कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुँचा है। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कछु अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। अरे ये इस बात का साक्ष्य है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हो चुको है उसे तो मैं बदल ना सकता, पर कम से कम वो माला तो बदल ही सकता हूँ जो आपने नई काकी को दिया। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूंगो। तुम्हें विश्वास तो ना होगो पर मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया, अब तो स्वीकार कर लो ना इसे। आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो, फिर भी ना लोगे आप? इधर तुझे कैसे पता चलो कि जे ही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो? एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना। क्रोध छोड़ दो ना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अवसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना होगा मैया। आप चिंता मत ही करो, उसके लिए भी सोच के रखो है मैंने। चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। जे एक मोती तो किस किस को देगो? मैया मन में आपने ही कही थी ना, एक बीज से पूरा वृक्ष उगा तो है। तो तू इस मोती को बोएगो? हाँ जे उस मोती को बोएगो, उसमें से वृक्ष उगाएगो और जब उसमें मोतियाँ आएंगी तो जे सारी गोपियों को देगो ना लल्ला। आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया। अरे पर Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare।
परिहास कर रही थी लल्ला, मोती वृक्ष पे ना उगते। क्यों ना उगते मैया, जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है, ढेर सारे जामुन उग सकते हैं, तो मोती क्यों ना उग सकते। लल्ला, बीज से केवल फल और फूल उगते हैं, मोती ना। पर मैया, आपने तो कही थी श्री नारायण का नाम लेने से सब कुछ संभव हो जाता है, तो फिर ये क्यों ना हुआ? नारायण के नाम में तो बहुत सारी शक्ति है ना? हाँ, पर सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है, जब करेगो तभी सीखेगो, हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते है ना? मोतियों का वृक्ष मिलेगा, देखना आप दोनों। चलो आ जा। नारायण, ये कैसे संभव है? सुनो जी, ये देखो। क्या हुआ यशोदा? सुबह सुबह आप चाहती थी ना कि आप सबको मैं कछु ना कछु दूं। देखो कितना विशेष उपहार है मेरे पास। जे जे तो मोती है, मोतियों का वृक्ष। पर ये तो असंभव है ना? लो, आप सभी तो कहती हो मैं बहुत अधिक प्रश्न पूछती हूँ, और अब देखो आते ही सबके सब प्रश्न पे प्रश्न पूछने लगे।
हमारी इच्छा पूरी हो गई, कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो हमें। प्रभु, ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने, कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा? ये तो सच्ची के मोती है, वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते। वृंदावन में जब से आए हैं, कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रहो है। अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को। देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का? कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कारी तो ना है? मैंने कहा था ना प्रभु, फंस गए। जेवरिच अवश्य ही कान्हा ने बोए होगो, है ना जीजी? आप सब भी ना बिना सके जाने ही बोलने लगती हो। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जी क्या कह रहे हैं कान्हा? सत्य ही तो कह रहा हूँ। आप सभी बताओ, जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी? और यहाँ आने के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? और कल किसने कही थी हमारा काना मोती को बीच की तरफ होएगा, फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे? यशोदा ने? आप भी? तो मैया हुई ना मैं चमत्कारी? ये जो कहती है सत्य होके ही रचा है। चुप करना खट, कुछ भी उल्टा सीधा आके जा रहे हैं। वैसे यशोदा जी, कान्हा कहे तो सत्य रहो है। तुम भी इसकी बातों में आ गए सुलक्षणा। अरे जे तो सारे संजोग जोड़ के बस अपनी बातें सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। मैं कोई देवी ना हूँ, मैं तो बस साधारण सी मैया हूँ और जे मेरा साधारण सा लल्ला है। पर ये मोतियों का वृक्ष चमत्कार है ना, पक्की बात है। लगता है किसी ना किसी देवी देवता का आशीर्वाद है इस स्थान को। सब तो मैं ना जानती, पर हाँ श्री नारायण का आशीर्वाद तो अवश्य है। ये सब जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कौन प्रभु? आशीर्वाद नारायण का हो या देवी देवताओं का, हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे कान्हा। कान्हा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा उपहार दिया है। अच्छा जी जी, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। यदि सारी तरकाइयां उग गई तो हमारा घर तो
हाँ, तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा, अरे देख क्या रहो है, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा। बिछा बिछा बिछा। अरे पधारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगो, और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। भी बताती हूँ तुम्हें। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? वो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कब दर्शन देंगे प्रभु, कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सबको किसने भेजा है, जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु, वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो। हे नारायण, छे छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई? धन्यवाद गौ मैया। जी देखो नंदराज,
आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनों दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रसियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे खाना ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना, रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी, ना मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है, पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जे हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी जे ही सोच रही हूँ। अवश्य गाँव मैयाए सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैयाओं से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गया। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जाना होगा और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना होगा, और ये कार्य हमें आज ही करना है। योजना सफल हो गई। वृंदा देवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको। सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? गैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहो है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने बालों को के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब वृंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे। ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने, फिर से फंस गो। बिच्छू और लताओं से
खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर महाराज से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, हुँ? पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, हुँ? बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर दो क्षमाप त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना। टूट गया कान्हा, दूर जाओ ना ओ कान्हा, अपने मैया को हृदय से लगाओ ना। ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना, कान्हा मान जाओ। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही था मैया, कोई खेलना खेलो, मुझे तो बन जानो है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मती करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ खाने के लिए कछु लाऊं? पर मुझे तो आज ही जानो है मैया। मीठे बुए। हाँ, मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई।
आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेंगे मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है, अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ काना, तुम्हें मीठे कुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत पूछा काना, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़के एक पशु है वृंदावन में, इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ काना, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ स्वयं भी चलूंगा और इन सब को भी लेकर चलूंगा। वाह मुझ पे छोड़ दो दाऊ, आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, मैया ने सेमी तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं, तो चलो अब। कान्हा कहाँ है लल्ला? कान्हा जी, मैं बहुत शरारती हूँ। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है।
अब उसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कछु हो जाए तो, कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो, इतना सा तो है, तनिक भी भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो, रक्षा के लिए आप हो ना, मैया आगे आगे लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या हो गो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे, मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैंने क्या आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी वन जाऊं तो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांटना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी कर तो है, हुँ? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना, लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपकी कानों की शक्ति अवश्य दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार मैं सुनाई ना पड़ा, अब फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जी, खेलने दो,
और वैसे भी ये स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह न मिले। बालको, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना, समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा गाना। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाने हैं जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है गाना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। गाना तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ? हाँ तो ले लूंगा। भय लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हसलो हसलो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक, ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मती करो जसुदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सबके सब। वो देखो दस। अब बस मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, ओम
नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने, रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो, वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक पाठ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से राक्षसों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो, कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए। उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ, बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय हो गया सुबह हुए, बलराम आयो ही ना अभी तक ढूंढने? पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया वजी? बहुत उदंड होगा वजी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्या को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको। कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू? कान्हा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है।
कान्हा कोई थी नया? हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे हो ताऊ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लगतो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया मुझे ना पतो, ताऊ किस स्त्री की बात कर रहे हैं? मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया, मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची, मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यही पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही रहो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चलें। गौदली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? अच्छा ठीक, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूँ कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है, जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं, आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, थी। मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया ना, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र, छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा, उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा या दाऊ को।
चलता हूँ मैया। नारायण नारायण दाऊ। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण आओ। छोटी माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले। इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ कल ना वो दाऊ चल। क्या कर रहे है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है, अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो जी। छोटी माँ दाऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी काना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कोलकाता ये जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गोपालक बन गया। नाना दाऊ गोपालक तो मुझे बनना है। बाबा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे, तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ ये गोपालकों का डंडा तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। तो ना दाऊ मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गोपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गोपालक बनोगे? तुम्हें तो बन जाने की भी आज्ञा नहीं है। सर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे।
करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो, एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ। और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो, बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप। ऐसे रे दाऊ, हनुमान जी का एक पाँव आगे हो तो है। ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाँ, फिर तक कसके क्यों पकड़ू है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े कोई लेकर भाग जाएगो। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। मुझे दो आपका आइटम वापस लेकर दिखाओ। सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। बड़े समय से इन दोनों का स्वर ना सुनाई दिया है ना जीजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है, कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देखकर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे, अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे। बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था, कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो काना, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तुम्हें मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ, निकटा ले लो अपना डंडा। रुक जाओ काना। क्या हुआ दाऊ, तुम मुझे इतना भगा क्यों रहे हो? अवश्य तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? इतना प्रयास करना है कर लो काना, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं जे दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगो कि आपसे आज्ञा लेके गए होंगे, दोनों साथ में ही तो थे। छे पालक भी ना। चलो जीजी, चलो।
मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो काना? पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। क्या हुआ, अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण बनकर आजीवन आपकी सेवा की थी, आपकी हर एक बात मानी थी। अब आप अगला अवतार मेरे बिना ले रहे हैं प्रभु। इस बार तुम मेरा साथ किस रूप में देना चाहते हो शेष? यदि संभावना हो तो। पिछली बार मैं आपका छोटा भाई बना था प्रभु, आपके पग चिन्हों पर अपने पग रखता हुआ आपके साथ चला था। इस बार आपका बड़ा भाई बनकर एक नया अनुभव पाना चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। प्रभु मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मेरा अर्थ वो नहीं था प्रभु कि। पर मैं बिना विचार किए कुछ नहीं कहता शेष। लक्ष्मण के रूप में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, महल, राजपथ, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी तुमने छोड़ दिया था ताकि तुम वन वन घूमते हुए मेरा साथ दे पाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर वो श्रद्धा, वो स्नेह तुम्हें लौटा पाऊं, तुम्हारी सेवा कर पाऊं। कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपका तो अधिकार है मुझ पे। ऐसा मत कहिए, आप मेरे प्रभु हैं। बलराम, ये क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई को प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरे प्रभु है छोटी माँ। अरे फिर से फंस गया मैं। सत्य का, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं हूँ इनका शिष्यनाग। अच्छा तो तुम दोनों भगवान जी खेल रहे हो? हाँ। तो इसके लिए बनाने की क्या आवश्यकता थी? मना किया था ना यशोदा ने? बलराम, तू कान्हा के जैसे कब से होगा? ये दोनों एक से ही है यशोदा, बहुत एकता है दोनों में। ना चिची, बलराम निर्दोष है, जो उसका छोटा भाई है ना इसी का दोष है, इसी को बार बार वन आना होता है। पर मैया, ये वन थोड़ी है, वास्तव वन तो आगे है ना। अच्छा तू घर चल, मैं बताती हूँ तुझे वन कहाँ है, उदंड कहीं का। ले बलराम चल। इन्हें ना गौशाला में बांध देना चाहिए जिज्जी, तभी रुकेंगे जे। ताऊ, घर
पहुंच के दंड मिलेगा क्या? मिलेगा प्रभु, और इस बार केवल आपको ही नहीं मुझे भी मिलेगा। नटखटपन और उदंडता में बहुत कम अंतर होता है कान्हा, और जब तक तुझे समझ ना जाता, जा जाके उस कोने में खड़ा रहे, यही तेरा दंड है आज। जा। मुस्कुरा क्या रहो है? चुपचाप खड़ा रहे, हाथ भी ना हिलने चाहिए। तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़े हो? तुम भी गए थे ना बिना बताए घर से? जाओ, आज कान्हा के साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। जाओ जाओ, जाके खड़े रहो वहां। जब तक हम दोनों ना कहें, यहीं खड़े रहना दोनों। समझ आई? मैया, संदेह भी होने वाली है, खेलने भी जानो है। पिछले अवतार में वनवास मिला था प्रभु, इस अवतार में दंड मिला है। आपका भाई बनने के लाभ कम है और हानि अधिक। ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना शेष, अब भूल जा कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। भक्त और प्रभु के इस संबंध की स्मृति अब तुम्हें तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता होगी। तब तक आप मेरे बड़ी भाई हो, इसलिए अब दाऊ की तरह व्यवहार करना होगा आपको। तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा, पर उसके लिए आपको भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करना होगा। अब से मेरी हर बात सुननी होगी आपको। क्या? जी हमारी बात ऐसे ना सुनेंगे चीची, कोई और उपाय निकालना पड़ेगा इन्हें बन जाने से रुकने का। डांट फटकार से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा यशोदा। ना, इन्हें जिस बात के लिए मना करो ना चीची, ये वही बात सबसे अधिक करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें कितनी चिंता होती है, और ये दोनों है कि इन्हें कोई भय ही नहीं लगता। भाई